चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? आप सब यहाँ? माफ करना, मैं अपने बाबा की याद में ऐसी खोई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कब आई। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा, पता है वो मुझे प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं। हाँ हाँ पता है, अजीब नाम है, पर मेरे बाबा के फोटो से ये नाम बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग चाहे जो भी कहे, मेरे बाबा के लिए तो मैं मिट्ठू नहीं हूँ। माँ कहती है मैं बिल्कुल अपने बाबा जैसी दिखती हूँ। मेरी नाक, मेरे गाल, मेरी आंखें, नहीं, बाबा कहते हैं मेरी आंखें माप गई हैं। ओह, मुझे तो बाबा के साथ फिल्म देखने जाना था, मैं तो जा रही। मैं भी ना कितनी बुद्धू, मैं तो भूल ही गई थी कि बाबा तो पिछले 2 हफ्तों से घर ही नहीं आए। नहीं नहीं, वो मुझे भूले नहीं है, शायद उनके पास वक्त ही ना मिल पा रहा हो, वरना वो मुझसे जरूर मिलने आते। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब भी आएंगे मुझे मेला घुमाने लेकर जाएंगे, बर्फ का गोला और तीखी चटपटी चाट, और उसके बाद फिल्म देखने जाएंगे। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने चुपके से दीवार पे लगी तस्वीर निकाल कर अपने पास रखी, वरना वो दादी माँ जो है ना, वो तो मेरी पिटाई कर देती। आप लोग को देखना है मेरे बाबा कैसे दिखते हैं, अभी दिखाती हूँ। ये है मेरे बाबा। बाबा जल्दी से आ जाओ ना मेरे पास, वो दादी माँ कहती है कि आप ऐसी जगह गए हो जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पर मेरा मन कहता है कि आप अपने मिट्टू के पास जरूर आएंगे। आएंगे ना बाबा, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप जल्दी आ जाना, आप जल्दी आ जाना, आप जल्दी आ जाना।